बनाएंगे मालपुआ। तो होली आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आपको स्पेशल सिखाया जाए। तो आज हम कुछ स्पेशल चीजों से बनाएंगे स्पेशल मालपुआ होली। ये देखिए लग रही है ना, बिल्कुल बाजार जैसे मालपुए, बिल्कुल रस से भरे हुए, बहुत ही स्वादिष्ट। मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया मालपुए बनेंगे बिल्कुल बाजार जैसे। सबसे पहले इसके लिए स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। 1 कप मैदा, पुए को नरम बनाने के लिए 1/2 कप मिल्क पाउडर लगेगा और 1/4 कप सूजी। बढ़िया से फ्लेवर के लिए डालेंगे पिसी हुई सौंफ 2 छोटी चम्मच, पिसी इलायची 1 छोटी चम्मच। इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे लगभग 1.5 कप गुनगुना दूध। धीरे धीरे दूध को डालें और मिक्स करते जाएं, जिससे कि बैटर में लंप ना पड़े। बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, नहीं तो जब इसे ड्रॉप करेंगे तो अपने आप फैलेगा नहीं। बिल्कुल ना ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ये देखो। इसे 20 मिनट ढककर रखने से इसमें खाने वाला सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही फूल जाएगा। अब चाशनी के लिए ना गैस ऑन कर लें, पैन में डालें 1 कप चीनी और 1 कप पानी। इसे अच्छे से घोल लें। केसर 3-4 धागे, इससे सिरप में अच्छा कलर और टेस्ट आ जाएगा। इलायची 1/2 छोटी चम्मच, ये ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमें ना एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस सिरप थोड़ा चिपचिपा हो। ऐसे करने से ना कोई तार ना बने, बिल्कुल ऐसे। आप ना पुए तल लेते हैं। पुए तलने के लिए ऐसा थोड़ा फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाई चाहिए या बर्तन चाहिए। तो तेल को ना हम 1/4 तक ही भरेंगे, यहाँ तक। तेल को अच्छे से गर्म कर लें। 20 मिनट के बाद बढ़िया सा बैटर बन गया है। थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा दूध और डालें और कंसिस्टेंसी ठीक कर लें। लैडल भरकर भी बैटर को आप इसमें डाल सकती हैं और कप से भी आप इसको इसमें डाल सकती हैं। अगर आपको लगे पुआ बड़ा बन रहा है तो लैडल को थोड़ा कम भरें। लो फ्लेम पे बैटर को डालें। ये देखें बैटर ना अपने आप फैल गया है, अब इसे सिकने दें। ये देखें साइड से गोल्डन कलर आ गया, इसे पलट दें। वाओ, बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आया और ये जालीदार भी बना है। फ्लेम को ना लो मीडियम पे करते हुए इसे सेक लें। एक्स्ट्रा तेल को ना निकाल दें। अब एक और ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखो कितने फूले फूले बन रहे हैं। एक एक पुआ फ्राई करने से ना पुए बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। चाशनी को हल्का गर्म कर लें और एक एक पुआ बनाते जाएं और इसमें डालते जाएं। कम से कम 4-5 मिनट आप इसको चाशनी में छोड़ दें और फिर इसे निकाल लें। लो जी, तैयार है आपके मालपुए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। अब इसे थोड़ा पिस्ते के साथ हम गार्निश कर लेंगे। आप इन्हें 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट डालें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।